पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के है, हम तहरीक इंसाफ। इमरान खान से मुलाकात हुई थी, क्या मुतालबात आपने सामने रखे थे और वो मुतालबात पूरे हो रहे क्या? जी तमाम मिनिस्टर्स के सामने मेरा इस जायज़ मुतालबा इन लोगों की तरफ से, चलो मेरा नौकरी ना सही, मेरा उससे जनाब अली सिस्टम के ना मिले, लेकिन मुझे अवार्ड शीट तो दे दे, अवार्ड शीट का मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा ये है कि मैं इधर अंदर पेज पे अंदर लिखा हूँ, उस पेज के अंदर आपके पास होंगे, मैं आपको जरा दिखाता हूँ इस जायज़ मुतालबात को, आप देखेंगे मैं कानून के मुताबिक। टू द चीफ मिनिस्टर अप्लीकेशन, मेरा सबसे पहला मुतालबा ये है कि मेरा नौकरी, अब मैं पार्टी के अंदर 14 साल से मैं जलील हो रहा हूँ, मेरा घर भी बेच दिया हूँ, मैंने सब कुछ बेच के मैंने जनाब अली इन पार्टी के पीछे मैं रहा हूँ, तो आज मैं बेबस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सीएम साहब पुश करेंगे। जंजीर आज इन लोगों ने मुझे बांधा हुआ है, हाँ बाहर के लोगों को पीपल्स पार्टी का काम हो रही है, नून लीग का काम हो रही है, लेकिन पार्टी कारकुनों को, मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं अकेले का एहतजाज नहीं है, ये पूरा कारकुन का एहतजाज है, मैं पूरा कारकुन बन के मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा एहतजाज जो है कारकुनों को इज्जत दो। अभी आपका जो एहतजाज मुजाहरा जारी है, कब तक जारी रहेगा? जब तक मेरी इस जायज़ मुतालिबात को हल नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ पे तन मन धन शाना बशाना में खड़ा रहूँगा। और वो भी मुलाकात बाहर बाहर से हो रही है, अंदर दफ्तर में टाइम देने के लिए अपना कोई सीक्रेट बयान होती है, अपना कोई पार्टी का मतलब मुलाकात करने नहीं देते। वज़ीर आला खुद अच्छा इंसान है, वज़ीर आला जैसा गिलगित बल्तिस्तान में कोई सीएम नहीं है, लेकिन उसके नीचे जो चमचे नहीं हैं वो चमचे उसको ख़राब कर रहे। मेरा कहने का मकसद ये है कि कारकुनों को इज्जत दो, ये कारकुन आगे 2024 में भी काम आएंगे, ये बात याद रखना। गिलगित बल्तिस्तान के कारकुनों को इज्जत नहीं देंगे तो कल कोई यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, मुख्तलिफ पार्टीज फ़ायदा उठाएंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के है, थे रहेंगे।